हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआएं मेरे साथ और मेरी दुआएं आप सबके साथ। तो जी फ्रेंड्स, ये मैं आपको जो वीडियो दिखा रही हूँ, मैं रात को वो देख रही थी बिग बॉस, जिसकी लास्ट एपिसोड थी, फनाइले था रात को। और मुझे सना पर्सनली बहुत पसंद थी, आसिम, रश्मि और सिद्धार्थ भी मुझे पसंद था। लेकिन हुआ ये कि चाहती मैं ये थी कि आसिम रियाज जो है वो जीते या आरती, इन दोनों में से एक जीते। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो जीत गए। खैर वो भी अच्छे थे, उनकी गेम भी अच्छी थी, लेकिन वो ज़रा थोड़े से बात बात पे लड़ाई झगड़ा करते थे और सब पे रोब जमाते थे। बस कहते थे कि जो मैं कह रहा हूँ बस आप वही करो। इवन के वो अपने कपड़े भी आरती से प्रेस करवाते थे या सना से प्रेस करवाते थे। खैर हमें से क्या, लेकिन इस दफ़ा का जो बिग बॉस था बहुत 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 ज़बरदस्त था। किस किस ने देखा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आपका फेवरेट कौन था। तो जी फ्रेंड्स, आज मैं सुबह उठी, ये आज मेरी 16 फेब की वीडियो है जो कि मैं आपको आज दिखा रही हूँ बिल्कुल फ्रेश। तो आज जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी तो मेरा दिल किया क्यों ना मैं अपने बालों की रिबॉन्डिंग करवाऊं। वैसे मैं रिबॉन्डिंग 2012 से करवा रही हूं, और अल्लाह का शुक्र है जैसे मेरे बाल पहले थे वैसे ही मेरे बाल अब हैं। मेरे बालों में 19-20 का भी फ़र्क नहीं आया। हाँ पहले थोड़े छोटे थे, अब ज़रा लंबे हो गया, क्योंकि शादी से पहले मैंने हमेशा अपना शोल्डर कट ही रखा है। मुझे खुले बाल अपने पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब ज़रा ये है, कुछ हस्बैंड की भी डिमांड है और कुछ फैशन में भी हैं, और कुछ ये भी कि चलो अब शादी होगी अब थोड़े से बाल अपने लंबे कर लेती हूँ, कभी हेयर स्टाइल बनाना पड़ जाता है। तो सोचा कि क्यों ना आज मैं अपनी रिबॉन्डिंग करवाऊँ। और मैं लाहौर जब आती हूँ तब अपने स्ट्रीट्स या रिबॉन्डिंग करवाती हूँ, उनके कटिंग भी मैं लाहौर आके ही करवाती हूँ। जिस सैलून से मैंने काम ब्यूटीशियन का सीखा था मैं उसी सैलून पे ही जाती हूँ। तो यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपने बाल, आप देख सकते हैं ये मेरे बाल कर्ली नहीं हैं, ये मेरे बाल थोड़े से वेवी हैं। मीन्स के इतने कि अगर मैं स्ट्रेट ना भी करूं तो मेरा गुजारा हो जाएगा, लेकिन मुझे एक आदत सी हो गई है बिल्कुल डेड स्ट्रेट बालों की, मुझे वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं सैलून जा रही थी और सैलून बिल्कुल आ गया। जिस एरिया में मैं रहती हूँ ये वहाँ का बहुत पुराना सैलून है जहाँ पे मैं जाती हूँ, ये रहा मेरा सैलून। अब मैं सैलून के अंदर एंटर हो रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि सैलून की वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि सैलून में बहुत 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 ज़्यादा रश था। पार्टी मेकअप आए हुए थे, इवन के ब्राइडल्स भी आई हुई थी तैयार होने के लिए, इसलिए फिर मैंने अपना अंदर जाते ही कैमरा ऑफ कर दिया। यहाँ से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करनी थी लेकिन मैंने ऑफ़ कर दिया। ये देखें फिशेस, मुझे बहुत पसंद है, ये एक्वेरियम बहुत 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 पसंद है मुझे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं भी कभी लाइफ में अपने घर में ऐसा एक्वेरियम रखूँगी। तो जी फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूँ, मैं अपने बालों की रिबॉन्डिंग तकरीबन 12 साल से लगातार करवा रही हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है मेरे बालों में बहुत जान है, अल्लाह ने क्वालिटी अच्छी रखी है। यहाँ पे मेरे बाल जो हैं वॉश हो गए थे, एक क्रीम अप्लाई हो गई थी, अब सेकंड क्रीम लगनी थी। और ये देखें आप लोग मेरा खुसा देख रहे हैं, ये भी मैंने न्यू लिया है। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी टांग इतनी मोटी नहीं है, आपको नज़र आ रही होगी कैमरे में लग रही है। और ये देखें ये मेरी एक वॉश हो चुका है बालों का, अब वो ड्राई कर रही हैं, उसके बाद स्ट्रेट होंगे मेरे बाल और बिल्कुल थोड़े थोड़े आप ये देख सकती हैं बिल्कुल कम पकड़ के, पेंसिल जितने पकड़ के जो हैं स्ट्रेट किए जा रहे हैं, ताकि जो क्रीम अप्लाई की थी वो अच्छी तरह मेरे बालों में बैठ जाए। बहुत मेहनत का काम है रिबॉन्डिंग करना और करवाना भी।
अब देखिए यहाँ पे ये देखिए मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं। इसके बाद जो है मेरे बालों पे फिर से एक क्रीम अप्लाई होगी जिसे हम बोलते हैं फिक्सर, वो अप्लाई होगी। उसके बाद फिर जो है मेरे बालों का जो है फाइनल टच, यहाँ पे एक और क्रीम अप्लाई हो रही थी। अब ये लगा के मैंने तकरीबन 15 मिनट्स तक इन्होंने मुझे रख दिया था। ये अच्छी तरह मेरे बालों में लग रहा है। ट्रीटमेंट है ये जो मैंने रिबॉन्डिंग करवाई है उसके लास्ट में। अब यहाँ पे इन्होंने मेरे बाल वॉश कर दिए हैं, और बाल वॉश करने के बाद जो है फिर मेरे बाल ड्राई करेंगे और उसके बाद रिजल्ट आपको दिखाएंगे बगैर स्ट्रेट किए बालों का। 3 डेज तक मैंने अपने बाल वॉश नहीं करने होंगे, बहुत एहतियात करनी होगी, अपने बाल पीछे गिरा कर बहुत एहतियात से सोना होगा कि कहीं वेव ना आ जाए, बाल ख़राब ना हो जाए। तो जी फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक बहुत छोटी सी बात शेयर करने चाहती हूँ। ये देखिए मुझे वापसी पे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि मुझे शवारमा लेके दे, मैंने ये खाना है। तो जी बात मैंने ये फ्रेंड्स शेयर करनी थी कि सैलॉन में एक ब्राइडल आई हुई थी जिनके बारे में मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी, और ज़रूर मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगी कल कि उनसे मेरी क्या क्या बातें हुई। आप सब सुन के हैरान रह जाएंगे। तो जी मेरे बालों का रिजल्ट देखें बगैर स्ट्रेट किए। अब आप सब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। Girl, it's been a while since I told you I loved you and it's